नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो गेमिंग का प्रोजेक्ट है एंड एनएफटी का भी है। उसके अंदर क्या होगा कि जो भी अपने प्रोजेक्ट सारे आते हैं वो सारे उसी प्लेटफॉर्म पर आते हैं। जैसे गेमिंग के प्रोजेक्ट है, मेटावर्स की है, सारे सारे के है, उसी पे आते हैं। तो उससे पहले जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ट्विटर टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि जो भी अपडेट आए हम आपको वहाँ पे सबसे पहले दे पाएँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, वो प्रोजेक्ट है अपना वैक्सपी। वैक्सपी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, वैक्सपी ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले टाइम के अंदर अपने को आराम से 20 से 50x तक रिटर्न दे सकता है। वो क्यों दे सकता है मैं आपको बता देता हूँ। वैक्सपी के ऊपर इतने प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, यानी इतने कॉइन्स बने हुए हैं जो सारे के सारे ट्रेड इसी के ऊपर होते हैं। तो इसलिए क्या है, ये आने वाले टाइम में अपने को $2 से $5 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अभी के टाइम में बात करें तो आप इसको 0.08 सेंट में बाई कर सकते हैं, और डाउन के अंदर बात करें तो 0.7 के आसपास बाई कर सकते हो। वैक्स ब्लॉकचेन CPU यूज, ये इसके अंदर मतलब यूज हो रहा है। इसका वॉलेट भी है खुद का, तो ये एक अपने लिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे शो पे अपन जाएंगे तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका $5 के आसपास दोस्तों ये गया है। और उसके हिसाब से अपन इसको देखें तो अभी के टाइम में कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी, यानी 2017 के अंदर ये $5 गया हुआ। तो सपोज कर सकते हो आपको, अगर ये इसने इस टाइम को हाई टच कर लिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10x एंड $5 पे 70x तक अपने को रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये यहाँ पे आकर अपन बात करें, जो फ्रेंड्स यहाँ पे $100 लगाता है उसको 1164 टोकन मिलते हैं। तो अगर इसने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया तो सीधा का सीधा $100 का $5,500 हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो चाहे वो इसको बाई कर सकता है अपने हिसाब से। और इसका अपन चार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसका चार्ट हमने आपको पहले बताया नहीं था, बाइनेंस के ऊपर अपन चलते हैं, वैक्सपी USDT के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, अगर अपन यहाँ पे बाइंग देखें तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे चार्ट बनाया है, उस हिसाब से देखें तो ये लगभग यहाँ पे अभी ये W पैटर्न में है, और ये इस ट्रेंड लाइन को 0.9 को अप की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है। बट यहाँ पे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कह सकते। अगेन ये क्या डाउन आ सकता है 0.086 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे इसने हाई बनाई तो यहाँ पे लगभग 0.1 सेंट के आसपास जा सकता है। और यहाँ से सीधा का सीधा आप देखो तो इसने छलांग लगाई थी लगभग 0.40 यानी 0.14 के आसपास, और वो लगभग 0.8 से अपन मात करें तो आप देख सकते हो दोस्तों सीधा का सीधा यहाँ पे 0.7% तक इसमें रिटर्न मिला है अपने को, ठीक है। तो ऐसे भी क्या है, आप वैक्सपी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। जब ये बढ़ेगा तो TLM कॉइन है वो भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे इसने छलांग लगाई थी 18 सेंट की, यहाँ पे लगाई इसने 14 की, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट कितने का हुआ 0.7 का। तो यहाँ पे 2x इसका इजीली हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगर अपन बात करें, यहाँ पे किसी ने बाइंग की है 0.8 के ऊपर, और यहाँ पे इसने सेल किया 0.40, तो लमसम आपके 2x से थोड़ा सा कम रहा है, 1.70 के आसपास वैसे परसेंटेज में। तो ये भी एक अच्छी बात है, 2x तो इसका इजीली हो ही जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत अपन अमाउंट लगा के इसको छोड़ते हैं तो 2-3 महीने 5 महीने के बाद में 2x 3x 5x तो हो ही जाता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म में इसका लगभग 10x से 100x की बात, ठीक है। तो आई होप आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।